जी पीपल इन कश्मीर आर रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल सोल्स, क्योंकि इस दुनिया में कश्मीर के बारे में पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है अगर जन्नत कहीं है तो यहाँ है। तो जन्नत सिर्फ जगह से नहीं होती, जन्नत होती है लोगों से। लोगों का जो मन है यहाँ पे, लोगों के दिलों में बड़ी मोहब्बत है जी, और इस वजह से ये जगह बड़ी खूबसूरत है। हम लोगों ने जब शूट किया था रंगीले अपना एल्बम, कमाल का एक्सपीरियंस रहा। हमने कुछ लोकल लोगों के घरों में जा के शूट किया, तो लोगों ने अपने घर से थोड़ी देर खुद बाहर रहे और बोला कि जी हाँ कर लो कर लो। तो इतना भोलापन, ये कमाल है, ये बहुत ही गजब धरती है जी, और ये मुझे लगता है परमात्मा की धरती है। इसलिए प्यारे लोग हैं यहाँ पर, जो मोहब्बत में एतमाद रखते हैं, मोहब्बत में एतखाद रखते हैं, और वैसी धरती है कश्मीर। और बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह परमात्मा ने यदि चाहा तो हम एक रियलिटी शो लेकर आएंगे जो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख तीनों को जोड़ते हुए, तीनों खंडों को जोड़ते हुए फिर हम ये बनाएंगे, यहाँ के टैलेंट को नर्चर करेंगे उस रियलिटी शो। द प्लेस बीइंग द सीनिक थिंग, आई थिंक इट इज़ रियली पैराडाइज ऑन अर्थ। लास्ट टाइम आई वाज हियर टू शूट हाईवे व्हिच वी आल्सो शॉट इन सम ढोक्स एंड सो, बट दैट टाइम आई हैड कम strictly for shooting and it was a rather depressing outlook that my character had towards life. So I'm here, I'm hoping it's a bit brighter this time. Right. So people are very sweet people, I love the accent and the arrangements were fantastic. You're being treated like VIP and that's always nice, nice perk to have as an actor. But I think there is a whole thing about Kashmir not being safe and all that. I went to Nowshera when there was shelling going on. Even recently there were some school kids hold up there. But there is no such problem as such. Kashmir has got 22 plus districts and there's only a problem in 2.5 of them. And in the sitting in Bombay or Delhi, you feel that whole place is burning down, but that's not the case. I think the government, the local government, law enforcement, and the army have got quite a control over the situation here.